आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे सुनहरा मौका दिया कि आज मैं आप लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के लिए आज हम गीतों को आज एक झुंडे से जुट होकर मैं जुड़कर गा सके। और मैं साथ साथ धन्यवाद देना चाहूंगी प्रेयर ग्रुप टीम टीचर्स के एडिटर ब्रदर आशीष को कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जब ये पेज स्टार्ट हुआ था तो मैं यहाँ पे आई थी, आई थिंक 1 ईयर बैक, और आज मुझे मौका मिला है कि मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ। और प्रभु ने उन्हें बहुत ब्लेसिंग दिया है कि आज उनका पेज बहुत आगे जा रहा है और इस पेज के माध्यम से बहुत लोगों को आशीष प्राप्त कर रहे हैं। ब्रदर को प्रभु बहुत दायर से आशीष दे और अपने कामों के लिए उन्हें इस्तेमाल करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम गीतों के माध्यम से एकजुट होकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। ओ हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 खुदा परमेश्वर पिता। इस समय के लिए खुदावन आपका धन्यवाद देती हूं परमेश्वर पिता। तमाम रुकावट के बाद भी परमेश्वर पिता खुदावन आज इस सेशन हो पा रहा है खुदावन। आज के सेशन को खुदा आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। जितने भी लोग परमेश्वर पिता छूटते खुदावन आज परमेश्वर पिता आपके आशीष को पाने वाले हो सके खुदावन। आज एक एक सोल परमेश्वर पिता आपको ग्रहण होने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हमारा गीत गाना खुदावन आपको परमेश्वर पिता ग्रहण होने वाला हो सके खुदावर। आज परमेश्वर पिता सेशन को खुदा आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। और जब हम गाय परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति और सामर्थ्य परमेश्वर पिता हमारे संग होने वाला हो सके, क्या मांगो छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। आइए हम सबसे पहले गीत गाएंगे आत्मा पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम अधूरे हैं। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब तक हम सामर्थ्य तब तक नहीं पा सकते जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं हो। तो आज खुदावन से हमें प्रार्थना करना है कि उस पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर काम करे, आज वो सामर्थ्य इस जगह पे काम करे और एकजुट होकर आज प्रभु यीशु मसीह की महिमा करे और उस खुदावन को आज हम भी मिलजुल कर आनंदित करें। ये जो सॉन्ग है वो हमारे सीडी का है। मैं चाहती हूँ जितने लोगों का सॉन्ग नहीं आता है आज हमें सीखे, बहुत आत्मिक सॉन्ग है जो मेरे पापा ने लिखा है। मैं चाहती हूँ कि लोगों की लोग जो है वो इस सॉन्ग को सीखे और उस सामर को अपने जीवन में पाए। Oh,
हम सब लोग उस सामर्थ को महसूस कर रहे होंगे। आज जितने भी लोग देख रहे हैं, आज उस सामर्थ को आप ग्रहण करिए, अपने जीवन में ग्रहण करिए और पूरा जीवन उस प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। आइए दूसरे गीत में जाएंगे, ये भी हमारे सीडी का सॉन्ग है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दृढ़ करो, कोई तुम्हें हिला ना पाए, सदा परमेश्वर के कार्य में खुद को समर्पित कर दो, क्योंकि तुम जानते हो कि परमेश्वर के प्रति तुम्हारा श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अपने में दृढ़ बनो। हमारे जीवन में जब समस्याएं आती है तो हम डगमगा जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सदा परमेश्वर के कार्य में खुद को समर्पित करो। आज हम जो इस सेशन कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, ये भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह का कार्य यहाँ पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ यहाँ पे प्रभु का सॉन्ग को गा रही हूँ और आप लोग देख रहे हो तो प्रभु का कार्य नहीं हो रहा है। अगर आप लोग उसे सुन रहे हो, अपने जीवन में अगर ग्रहण करते हो, तो मतलब आप प्रभु यीशु मसीह को आनंदित कर रहे हो। और तुम जो भी काम करते हो, जो भी तुम मेहनत करते हो, श्रम करते हो, उससे क्या होता है, तुम्हारा श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम ये सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं अपने जीवन में, जॉब के लिए बड़ी बड़ी समस्याएं को पार करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में वो हैप्पीनेस कहाँ चला गया है मेरे प्रियो, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम्हारा जो श्रम है, तुम्हारा जो मेहनत है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह उसका परिणाम देगा आप लोगों को। वो क्या परिणाम रहेगा आपके जीवन में, वो आशीष और ब्लेसिंग को भरपूर कर देगा। हालेलुया। आइए हम गीत गाएंगे, आगे तेरी बाहों में सुकून मुझे मिलता है।
सुकून मिल गया है। हमें कहीं भी सुकून नहीं मिलता है जब परमेश्वर पिता का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी ढल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। आज जो भी वचन में लिखा हुआ है वो पूरा होना निश्चित है। आज परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुझे चुन लिया, तो प्रभु ने सचमुच में मान लो कि भाइयों बहनों प्रभु ने हमको और आपको क्या कर लिया है, चुन लिया है। आज हम चुने हुए लोग हैं। तो प्रभु जब कहता है कि सारी चीजें ढल जाएगी, अगर प्रभु चाहता है कि आपका जीवन बच जाए और प्रभु चाहता है कि आप वो आशीष को पाए तो उसे कोई रोक नहीं सकता। आइए हम गीत गाएंगे, आकाश हिली तो हिली, पहाड़ तली तो टली। ईश्वर का कहल वचन बाइबल में लिखित वचन कभी ना टली। बाइबल में जितने भी सारे वचन लिखे हुए वो कभी टलेगा नहीं। वो क्या है, इसी संसार में हमको और आपको वो सारी चीजों को हम होते हुए देखेंगे। Thank you.
आज अपने हाथों को भी उठाएं, ताली को भी बजाएं और परमेश्वर पिता के लिए गाएं भी और नाचें भी। इसमें हमको शर्म नहीं करना है। आइए लोग देखेंगे तो मुझे क्या बोलेंगे। जहां प्रभु यीशु मसीह का वचन जहां चलता है, जहां गीत चलता है, हमको झूमते और नाचते प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना है। हालेलुया। एक और हम गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम चला पाता रहे। आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठना चाहिए। ये हमारे जीवन से दिखना चाहिए कि ये हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह के क्या है, बच्चे हैं। आज हमारा जीवन कैसा है, आज हमको कोई देख के बोलता है कि अरे ये तो संसारिक बेटा और बेटी है। कोई आज को बहुत कम सुनने को मिलेगा कि हम किसी की तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन ही आज वैसा नहीं है। हम इन लोगों को नहीं दिखाना है, लेकिन खुदा को दिखाना है। अगर खुदा को दिखाना है तो खुदावर भी यही चाहता है कि वो जैसा हमें बनाया था, वो सारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, हम वो सारे पापों को अपने जीवन में करते जा रहे हैं। तो क्या ऐसा हमारा जीवन से प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठेगा? नहीं उठेगा। अगर सचमुच में जितने लोग आज देख रहे हैं सचमुच में चाहते हैं कि आपके और मेरे जीवन से प्रभु का नाम ऊंचा उठे, तो अपना जीवन को भी वैसे बनाना है जैसे खुदावर चाहता है कि उसके रास्ते में चलना है, तो हमें उसके रास्ते में चलना है और डगमगाना नहीं है। क्योंकि जब जब रास्ते में परेशानी होगी, अंधेरा होगा, लेकिन खुदावर हमें क्या करेगा, रोशनी देगा और रास्ता खुदावर दिखाएगा। और कोई हमें रास्ता नहीं दिखाएगा, पड़ोसी नहीं दिखाएगा, भाई बहन कोई नहीं दिखाएगा। अगर कोई रास्ता हमें दिखा सकता है तो सिर्फ एक मार्ग क्या है, प्रभु यीशु मसीह। आइए एक साथ मिलकर गाएं, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम चला पाता रहेंगे।
खुदा आज आनंदित है क्योंकि हमारे जीवन से आज दिख रहा है कि हम प्रभु के रास्ते में चलते हैं। आज इतने लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुदावन से कनेक्ट होना चाहते हैं। आज आप चाहते हैं कि वो खुदावन की सामर्थ आज आपको छुए। आप चाहते हैं कि आप अपना जीवन जो है वो सही रास्ते में जाए। और सचमुच में आज खुदावन खुश होगा कि खुदावन चाहता है कि सारे मिलकर खुदावन की उपासना करें। आज सारे मिलकर एकजुट होकर खुदावन की महिमा करें जो आज आप और हम कर रहे हैं। तो खुदावन के लिए सबसे बड़ा यह दिन होगा कि मेरे बच्चे जो है आज खुदा के पास वापस आ गए हैं। आए एक और गीत गाएंगे, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। जैसा वचन में लिखा हुआ है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वगा बना रहेगा। अगर आप और हम प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में चलते हैं, अगर हमारा जो जीवन है वो खुदावन की राह में चल रहा है, तो प्रभु क्या करेगा, हमें रास्ता दिखाएगा। आज हम जब मुसीबत आती है तो हमें समझ नहीं आता कि आगे नेक्स्ट क्या करना है, समझ नहीं आता, रोने लगते हैं कि आप क्या करेंगे, कौन हमें बचाएगा, कौन हमें रास्ता दिखाएगा, कौन हमें छुटकारे को देगा, कौन हमें बीमारियों से चंगाई को देगा। लेकिन खुदावन का वचन क्या कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, आइए हम गीत गाएंगे, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। सचमुच में हमारा सिर्फ एक ही सहारा है, वो है खुदावन। Yeah.
आनंदित है कि नहीं? अगर आनंदित है तो बोले खुदावन थैंक यू। आप सबको परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहिए। एक एक दिन जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में दे रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसे लोग हैं जो बीमारी से ग्रसित है, जो चाहते तो हैं जाना जीना चाहते हैं लेकिन उनके जीवन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपको धन्यवाद देना चाहिए सिर्फ खुदावन को कि उसकी वजह से एक एक दिन हमारे जीवन में आनंद है। हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है। खुदावन हमें रोटी दे रहा है, हर चीज़ हमें मिल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर ये सोचते हैं कि हमारे वजह से, हमारे कामों की वजह से, तो हाँ सच में अगर आपके अच्छे काम हैं, आप सच में खुदावन के पार में चलते हैं, तो सारी भरपूरी खुदावन आपको पूरी करेगा। आई और हम गीत गाएंगे, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हाँ सच सच प्रियो, अगर खुदावन हमारे और आपके जीवन में नहीं है तो हमारे लिए कोई नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है? वो है हमारा खुदावन।
खुदावन, हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत है। आज हम सब परमेश्वर पिता आपके बिना कुछ भी नहीं है खुदावन। आज परमेश्वर पिता हमारे राह में तो काटे खुदावन, लेकिन आप परमेश्वर पिता हमारे जीवन से और सारे प्रॉब्लम को खुदावन सिर्फ आप ही दूर करोगे। हालेलुया। आइए एक गीत और गाएंगे, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। खुदावर आज परमेश्वर पिता उस सारे शैतान के कार्य, खुदावर उस सारे रुकावट जो
नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावर इस समय के लिए परमेश्वर पिता, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर पिता की नाना प्रकार की समस्याएं परमेश्वर पिता, पावर भी कट हो गया खुदावर, लेकिन आपने परमेश्वर पिता इस सेशन को होने दिया खुदावर, क्योंकि आप चाहते थे खुदावर कि वो ब्लेसिंग को खुदावर आज जो पाने वाले हो सके पिता, वो आशीष खुदावर, वो आशीष चाहते थे खुदा कि आज लोगों के अंदर में परमेश्वर पिता सामर्थ काम करने वाला हो सके खुदावर। आज परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत से आप लोगों को आशीष दे, आप ऐसे निरंतर प्रभु में आगे बढ़ते जाए, और जिस फेज में भी, और मैं ब्रदर आशीष को भी बोलूंगी कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे खुदावन, आपको बहुत आशीष और ब्लेसिंग से पूर्ण भरपूर करे, और खुदावन आपको और आगे बढ़ाए, और जितने भी लोग इस फेज से जुड़े वो खाली हाथ ना जाए, परंतु परमेश्वर पिता के वो ब्लेसिंग और आशीष को खुदावन यहाँ से इस पेज के माध्यम से वो लेके जाने वाले हो सके। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल।